सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार। आप देख रहे हैं बासु इंडियन फार्मिंग और मैं आपका वासुदेव शर्मा। आज हम आए हुए हैं, हमारी धनिया का खेत है और यहाँ पर करीब 15 से 16 बीघा में हमारा धना लगा हुआ है और धनिया अब फूल की अवस्था में पूरी तरीके से आ चुका है और अब अगले 15 से 20 दिन बाद इसमें दाने, धनिया के दाने आना शुरू हो जाएंगे। तो ये समय बहुत ही नाजुक समय होता है धनिया की फसल के लिए, क्योंकि इस समय जैसे अभी फरवरी का महीना चल रहा है तो सर्दियां बहुत कम हो गई हैं, टेम्परेचर दिन में लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो इस समय धनिया की फसल को बचाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए, और जैसे कि धनिया की फसल में एक मुख्य रोग होता है कुकड़ा रोग, लौंगिया रोग जिसे हम कहते हैं, तो उससे बचाव के लिए, धोरिया से बचाव के लिए समय समय पर दवाइयों का स्प्रे करना पड़ता है, मजबूरी है। तो आप देख रहे हैं ये आज धनिया के खेत में सल्फर की हम उड़ाई कर रहे हैं और कुछ इस तरीके से सल्फर खेतों में डाला जाता है जिससे कि धोरिया रोग ना लगे और भी जो सल्फर की आवश्यकता फसल को होती है, धनिया को, उसकी भी पूर्ति होती है। और धोरिया का रोग जो कुछ इस तरीके का होता है जिसमें धनिया के पौधे सफ़ेद हो जाते हैं, इनमें धोरिया रोग लग जाता है, उससे बचाव के लिए सल्फर का उपयोग सबसे अच्छा माना जाता है। और धनिया की फसल में प्रति वर्ष कम से कम एक बार सल्फर उड़ानी पड़ती है और कभी भी कभी ऐसा भी मौका आता है कि दो दो बार भी हमें सल्फर उड़ाना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से हम आज धनिया की फसल में सल्फर डाल रहे हैं और इस समय टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसलिए धोरिया रोग लगने से पहले ही आज हम ये सल्फर का इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं। और आने वाले समय में हो सकता है कि लौंगिया और टेढ़िया पौधे में टेढ़ापन आ जाता है, उसका रोग लग सकता है, तो उसके लिए इसमें उसके दवाई डालनी पड़ेगी। तो बहुत सारी दवाइयां मार्केट में उपलब्ध हैं जो लौंगिया और टेढ़िया की रोकथाम के लिए काफ़ी कारगर हैं। तो अभी आज सल्फर का इस्तेमाल हो रहा है और ये हमारे राजू भाई सल्फर उड़ा रहे हैं खेत में और उधर है शिवराज सिंह। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आपने धनिया की फसल लगाई है और कुछ भी आपको पौधे में समझ में आ रहा है कि पौधा सफ़ेद हो रहा है या फूल, जहाँ फूल की डंडी लगती है कुछ तरीके से, जैसे ये फूल है, फूल अगर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है और या तने में कहीं भी टेढ़ापन आपको लग रहा है और पौधा कुछ इस तरीके से अगर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो उसके लिए आप लौंगिया की दवाई आती है या कुकड़ा रोग जिसे हम कहते हैं, तो उसकी दवाई का इस्तेमाल आप समय रहते करें। जैसे ही आपको अगर एक दो पौधों में कहीं भी नज़र आ जाए तो तुरंत आप लौंगिया की दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। ये सबसे नाजुक समय धनिया के लिए समझा जाता है क्योंकि इसी समय जैसे ही टेम्परेचर सर्दी के बाद थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है तो जैसे इंसानी शरीर में या किसी भी जीव जंतु में जब मौसम बदलता है तो रोग आते हैं, उसी तरीके से धनिया में भी बहुत सारे रोग, जैसे लौंगिया है, धोरिया है और टेढ़िया रोग, जो टेढ़ापन आ जाता है पौधों में, वो रोग आते हैं। तो उसके रोकथाम के लिए हमें तुरंत, मेरे ये अनुभव है कि तुरंत हमें रोकथाम के लिए उसमें दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए या जो भी पाउडर फॉर्म में आती हैं दवाइयाँ उनका स्प्रे उनको उड़ाना चाहिए। और धनिया में एक रोग और मुख्य रूप से आता है जिससे जो माऊ रहती है, माऊ लग जाती है, तो क्या होता है कि फूल के समय से लेकर और दाना बनने तक वो माऊ अगर पौधे में है तो आपका पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा और अच्छा फल नहीं लग सकता। तो इसके लिए समय रहते धनिया की फसल में आप सारी दवाइयों का इस्तेमाल करें, मार्केट में बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं और धनिया की फसल में रोगों की रोकथाम के लिए कारगर हैं। तो ये सल्फर जो है वो गिरनार कंपनी का है और ये काफ़ी अच्छा सल्फर माना जाता है। सल्फर आपको मार्केट में 3-4 कंपनियों के अच्छे ब्रांडेड सल्फर आते हैं, जैसे कि सबसे बढ़िया है लक्ष्मी, इसके बाद गिरनार, 5 तारा और भी कई तरह के, कई कंपनियों के सल्फर मार्केट में उपलब्ध हैं। तो हमने आज ये सल्फर उड़ाया है, ये गिरनार कंपनी का सल्फर है, ये गिरनार स्टार गोल्ड करके ये सल्फर है, इसका इस्तेमाल हम आज कर रहे हैं। तो लौंगिया और कुकड़ा रोग की रोकथाम के लिए आप
कम से कम फसल में पानी दें। धनिया की फसल में बोनी करने के बाद आपको अधिकतम 2 पानी की आवश्यकता होती है, तो 2 पानी से अधिकतम अधिक पानी नहीं देना चाहिए। और जो ज़मीनें गहरी ज़मीनें हैं, काली मिट्टी है और अच्छी उपजाऊ मिट्टी अगर होती है, तो उसमें 1 पानी में भी धनिया की फसल आ जाती है और बहुत शानदार फसल आती है। तो धनिया की फसल में कम से कम पानी लगना चाहिए, जिसके कारण फ़ायदा ये होता है कि पानी की भी बचत होती है, साथ में आपकी फसल में रोग नहीं लगेंगे, लौंगिया कुकड़ा रोग नहीं आएगा। और लौंगिया और कुकड़ा रोग लगने का एक और कारण कोहरा होता है। तो जिस किसी वर्ष लगभग 7 से 8 दिन लगातार अगर कोहरा आपके क्षेत्र में रहता है, तो ये निश्चित रूप से मानिए कि लौंगिया कुकड़ा रोग लगेगा ही लगेगा। तो उसके इस्तेमाल उसके कुकड़ा और लौंगिया उस समय जब कोहरे की स्थिति में अगर आपकी फसल है और लगातार 7-8 दिन तक आपके क्षेत्र में कोहरा है, तो उस समय भी आप लौंगी और कुकड़ा रोग से आपकी धनिया की फसल को बचा सकते हैं। तो उसके लिए एंटीबायोटिक मार्केट में उपलब्ध हैं और सल्फर प्लस बॉन्ड करके एक धनिया की दवाई आती है जो फल फूल पर बहुत अच्छा काम करती है। तो वो जो बॉन्ड नामक दवाई है, वो आपके कोहरे के कारण जो आपकी फसल में लौंगी और कुकड़ा की समस्या है, उसको भी रोकथाम करने में काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। तो ये पिछले 20 से 25 वर्षों से हमारे यहाँ धनिया की फसल की पैदावार हो रही है और हर बार हम धनिया में अच्छा उत्पादन लेते हैं और अच्छी इनकम भी हो जाती है। तो धनिया की फसल में मेन समस्याएं जो मैंने आपको बताई हैं, वो यही हैं कि 3-4 तरह के रोग लगते हैं। उससे अगर आपकी फसल बची है और एक आदर्श टेम्परेचर आपके यहाँ पूरी फसल के पीरियड में अगर रहता है, तो धनिया की फसल प्रति बीघा में अधिकतम 7 क्विंटल भी प्रति बीघा तक निकल सकती है। और लेकिन ये ऐसा मौका कभी कभी आता है किसान की जीवन में कि 4 से 5 साल के अंतराल के बाद कभी 1-2 साल बहुत अच्छा मौसम रहता है और फसल बहुत अच्छी बन जाती है, तो उस समय बहुत अच्छा उत्पादन आता है। बाकी नॉर्मल धना का औसत उत्पादन 3 से 4 क्विंटल प्रति बीघा हर साल प्रतिवर्ष हम लेते हैं और अधिकतम 4-5 क्विंटल बीघा तक उत्पादन लिया है। तो बहुत शानदार ये फसल है और मार्केट में इसकी कीमत बहुत बढ़िया है, जिसके कारण किसानों को अच्छा मुनाफा होता है और इसके साथ ही कम पानी की फसल है। तो आप कुछ इस तरीके से ये देख रहे हैं, बहुत शानदार धनिया की फसल हमारे खेत में है और अभी ये लगभग 2.5 महीने की हो चुकी है। इस नवंबर के टाइम पे इसकी बोनी की थी और अब है 10 फरवरी 2023। तो ये दिसंबर जनवरी फरवरी लगभग 2.5 महीने की फसल ये हो चुकी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल है बासु इंडियन फार्मिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए आपको नमस्कार, राम राम।